हेलो एवरीवन, ये सेट एक इंटेंस लेवल का सेट है। 10 प्लेयर्स इवन से P10 तक हैं, कॉम्पिटेड इन एन इंटरनेशनल जेवलिन थ्रो इवेंट। द नंबर आफ्टर पी ऑफ अ प्लेयर रिफ्लेक्ट्स हिज रैंक एट द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट, विद रैंक 1 गोइंग टू द टॉप मोस्ट प्लेयर। देर वर टू फेजेस इन द इवेंट, विद द फर्स्ट फेज कंसिस्टिंग ऑफ राउंड्स 1, 2 एंड 3 एंड द सेकेंड फेज कंसिस्टिंग ऑफ राउंड्स 4, 5 एंड 6। A throw is measured in terms of the distance it covers in meters up to 1 decimal point accuracy. Only if the throw is a valid one. For an invalid throw, the distance is taken as 0. A player's score at the end of a round is the maximum distance of all his throws up to that round. Players are re-ranked after every round based on their current scores. In case of a tie in a score, the player with the prevailing higher rank retains the higher rank. This ranking determines the order in which the players go for their throws in the next round. तो ranking बड़ी important है। अगले round में किस order में वो throw करेंगे, ये decision लेने के लिए उसका role है। In each of the rounds, in the first phase, the players throw in increasing order of their latest rank. That is, the player ranked 1 at that point throws first, followed by the player ranked 2 at that point, and so on. The top 6 players at the end of the first phase qualify for the second phase. In each of the rounds in the second phase, the players throw in decreasing order of their latest rank. That is, the player ranked 6 at that point throws first, followed by the player ranked 5 at that point, and so on. The players played ranked 1, 2 and 3 at the end of the 6th round received gold, silver and bronze medals respectively. All the valid throws of the event were of distinct distances as per stated measurement accuracy. The tables below show distances in meters covered by all valid throws in the first and the third round in the event. Do tables hame given hai. First table bata rahi hai distances covered by all the valid throws in the first round. Second table bata rahi hai distances covered by all the valid throws in the third round. Iska matlab hua keval yahi valid throws hai. Baki jo invalid throws hai, unka score hum kya consider karenge? Zero. कुछ एडिशनल जानकारी भी दी गई है। आगे बढ़ने से पहले हम एक टेबल यहां पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जहां पर 6 राउंड्स मेंशन हो और प्लेयर्स के नाम भी मेंशन हो। ये टेबल हमारे सामने आ गई है। दो फेजेस में ये इवेंट हो रहा है, फेज 1 राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, फेज 2 राउंड 4, राउंड 5 एंड राउंड 6। लेकिन फेज 4 में सिर्फ टॉप 6 रैंक प्लेयर जो होंगे वही क्वालिफाई करेंगे, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। फर्स्ट राउंड के लिए जिस ऑर्डर में प्लेयर्स थ्रो करेंगे वो हमने लिख दिया है, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 एंड P10। सबसीक्वेंट राउंड्स में कौन पहले थ्रो करेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसका स्कोर सबसे ज्यादा है उस राउंड तक। दैट मीन्स यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि सपोज एक प्लेयर है ए, इन्होंने लेट अस से राउंड 1 में 90 मीटर थ्रो किया है, ये इनका स्कोर कंसीडर हो गया है। अगले राउंड में इन्होंने 89 मीटर थ्रो किया, तो इनका बेस्ट स्कोर कौन सा है? 90। तो इनकी जब हम स्कोरिंग करेंगे तब 90 मीटर को कंसीडर करेंगे, 89 को नहीं। लेकिन मान लीजिए अगले राउंड में इन्होंने 91 थ्रो कर दिया, तो अब 90 मीटर इनका स्कोर नहीं माना जाएगा, 91 मीटर इनका स्कोर माना जाएगा। दैट मींस उस राउंड तक जो इनका सबसे अच्छा स्कोर है वो फाइनल स्कोरिंग में लिखा जाएगा। एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में सबसे पहले कौन थ्रो करेगा, जिसका सबसे अच्छा स्कोर है। लेकिन राउंड 4, राउंड 5 और राउंड 6 में ये चेंज हो जाएगा, सबसे पहले कौन थ्रो करेगा, जिसका स्कोर सबसे लास्ट है। दैट मींस वो जो टॉप 6 प्लेयर्स क्वालिफाई करे हैं उनमें से जो सबसे लास्ट रहा है, जिसका स्कोर सबसे कम है, वो सबसे पहले थ्रो करेगा, और जिसका स्कोर सबसे अच्छा है वो सबसे लास्ट में थ्रो करेगा।
राउंड वन में जो भी वैलिड थ्रोस थे उनके स्कोर हमें मालूम है, ये टेबल से हम देख सकते हैं। P1 ने थ्रो किया है 82.9, P2 वैलिड थ्रो नहीं था 0, P3 81.5, P4 अगेन वैलिड थ्रो नहीं था, P5 86.4, P6 82.5, P7 87.2, P8 वैलिड थ्रो नहीं था, P9 84.1 और P10 वैलिड थ्रो नहीं था। राउंड वन के बाद अगर हम इनके स्कोर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे हाई स्कोर किया है P7 ने, लेट अस से यहां हम P7 लिख देते हैं, और इनका स्कोर कितना है 87.2। इसके बाद में है P5, ये हो गए हैं 86.4, फॉलोड बाय P9 84.1, P1 82.9, P6 82.5 एंड P3, इनका स्कोर है 81.5। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका वैलिड थ्रो नहीं था तो उन सभी का स्कोर 0। तो जब राउंड 2 में ये प्लेयर्स मूव करेंगे तो सबसे पहले थ्रो कौन करेगा, जिसका स्कोर सबसे अच्छा है, दैट इज P7। तो यहां पर हम लिख देते हैं P7 फॉलोड बाय P5 एंड देन P9, P1, P6, P3। बाकी प्लेयर्स के बारे में हम क्या कहेंगे, जिनका थ्रो वैलिड नहीं था वो उसी ऑर्डर में थ्रो करेंगे जो उनकी ओरिजिनल रैंकिंग थी। दैट मीन सबसे ऊपर P2 है तो P2 सबसे पहले थ्रो करेंगे उन चार प्लेयर्स में, फॉलोड बाय P4, फॉलोड बाय P8 एंड लास्ट में थ्रो करेंगे P10। अब जो एडिशनल जानकारी हमें दी गई है एक बार हम उसे समझ लेते हैं। Among the throws in the second round, only the last two were valid. P8 और P10 के जो throws थे केवल वही valid थे. Both the throws enabled these players to qualify for the second phase. Okay, with one of them qualifying with the least score, none of these players won any medal. तो ये दो persons उन top 6 players में से थे जिन्होंने सेकेंड फेज के लिए क्वालिफाई किया। इनमें से एक पर्सन लीस्ट स्कोर के साथ क्वालिफाई करेगा, दैट मीन्स उसकी रैंक उन 6 पर्सन में होगी 6th, और वो पर्सन ध्यान रखिए राउंड 4 में सबसे पहले थ्रो करेगा। नेक्स्ट, इफ अ प्लेयर थ्रोस फर्स्ट इन अ राउंड एंड ही वॉज ऑल्सो द लास्ट अमंग द प्लेयर्स इन द करंट राउंड टू थ्रो इन द प्रीवियस राउंड, देन द प्लेयर इज सेट टू गेट अ डबल। टू प्लेयर्स गॉट अ डबल, इसको थोड़ा सा समझ लिए कि जैसे मान लीजिए राउंड 1 से की अगर हम बात करते हैं, सबसे लास्ट में किसने थ्रो किया है, P10 ने। अगर राउंड 2 में P10 सबसे पहले थ्रो करे तो हम कहेंगे कि P10 को एक डबल मिल गया, करेक्ट। ऐसा दो प्लेयर्स के साथ हुआ है जिन्हें डबल मिला है। इन ईच राउंड ऑफ द सेकेंड फेज एग्जैक्टली वन प्लेयर इंप्रूव्ड हिज स्कोर, हर एक राउंड में सिर्फ एक प्लेयर ने अपना स्कोर इंप्रूव किया है। ईच ऑफ दीज इंप्रूवमेंट्स वाज बाय द सेम अमाउंट, कि हर एक पर्सन ने जिसने इंप्रूव किया है उसका अमाउंट सेम था। अगर किसी ने 1 मीटर से इंप्रूव किया है तो बाकी दोनों पर्सन ने भी 1 मीटर से इंप्रूव किया है। अच्छा, अब यहां से एक हमें क्लू मिल गया कि वो जो डबल है वो राउंड 4 से राउंड 5 में किसी प्लेयर को नहीं मिल सकता। ऐसा क्यों,
मान लीजिए ये पर्सन वो है जिनका स्कोर सबसे हाई था और ये लास्ट थ्रोअर है, क्या ये फर्स्ट थ्रोअर बन सकते हैं? बन सकते हैं अगर बाकी पांच प्लेयर्स का जो स्कोर है इस राउंड के बाद ऐसा हो जो वो ए से ज्यादा हो जाए और ए वर्स्ट परफॉर्मर हो जाए, पर उस केस में इन पांचों प्लेयर्स को अपना स्कोर इंप्रूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशनड है कि ये केवल एक ही पर्सन ने अपना स्कोर इंप्रूव किया है, तो आप बेस्ट पोजीशन से वर्स्ट पोजीशन पे नहीं जा सकते अगर एक ही पर्सन ने अपना स्कोर इंप्रूव किया हो। हाँ, आप वर्स्ट पोजीशन से बेस्ट पे जा सकते हैं अगर आपने अपना स्कोर इतना अच्छा इंप्रूव कर लिया हो कि सबसे ऊपर आ गए, राइट? दैट मींस यहां वाला पर्सन यहां तो आ सकता है, पर यहां वाला पर्सन यहां किसी भी हालत में नहीं जा सकता, इस केस में भी और इस केस में भी। तो हम कहेंगे वो जो डबल मिला है प्लेयर को वो राउंड फोर से राउंड फाइव जाने में नहीं मिला है और राउंड फाइव से राउंड सिक्स जाने में भी नहीं मिला है। अच्छा, क्या वो डबल राउंड वन से राउंड टू में मिल रहा है? आप देखेंगे P10 और P7 ये दोनों डिफरेंट पर्सन हो गए, तो वो डबल यहां भी नहीं मिला है। तो फिर डबल कहां मिला है? राउंड टू से राउंड थ्री जाने में डबल मिला है और राउंड थ्री से राउंड फोर जाने में डबल मिला है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि P10 राउंड थ्री में सबसे पहले थ्रो करेंगे। इनका स्कोर इन सारे प्लेयर्स में अब तक जो स्कोर हुआ है उनमें सबसे अच्छा हो चुका है, तो P10 सबसे पहले थ्रो करेंगे। ओके, याद रखिए राउंड टू में सिर्फ दो ही प्लेयर्स के स्कोर वैलिड थे, कौन है वो? P8 और P10। लेट अस से इनका स्कोर था X और इनका स्कोर था Y, तो यहां पर P10 का स्कोर Y है, बाकी सभी प्लेयर्स के स्कोर्स इस राउंड में जीरो थे क्योंकि उनके थ्रोज वैलिड नहीं थे। तो राउंड टू के बाद एक बात हमें और समझ में आ गई कि P10 का स्कोर सबसे अच्छा हो चुका है। सबसे अच्छा होने का मतलब है वो अब यहां आ चुका है। ये वैल्यू क्या है हमें नहीं मालूम, बट एक बात कंफर्म है कि ये वैल्यू हर हालत में 87.2 से बड़ी है। तो P10 का स्कोर जो Y हमने लिया है वो हर हालत में 87.2 से बड़ा है। कितना बड़ा है ये हमें नहीं मालूम। Now, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज हम समझ सकते हैं, वो सिक्स प्लेयर्स जो क्वालिफाई कर रहे हैं सेकेंड फेज के लिए, उनमें एक प्लेयर तो P10 है और एक प्लेयर P8 है, ये मेंशन्ड है। एक प्लेयर ऐसा है जिसने सबसे कम स्कोर के साथ क्वालिफाई किया है, वो प्लेयर अब P10 तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली वो प्लेयर कौन होगा? P8। सबसे कम स्कोर के साथ क्वालिफाई किया है, फेज टू में ऑर्डर बदल गया, जो सबसे कम स्कोरर है वो सबसे पहले थ्रो करेगा। दैट मीन्स राउंड फोर में P8 विल बी द फर्स्ट थ्रो। पर ध्यान रखिए राउंड टू से राउंड थ्री में P10 को डबल मिल गया है, तो अब राउंड थ्री से राउंड फोर में P8 को डबल मिलना चाहिए। इसका मतलब है क्वालिफाई करने वाले पर्सन में इनका नाम सबसे नीचे होना चाहिए। चलिए अब हम राउंड थ्री के स्कोर्स के बारे में बात करते हैं। राउंड थ्री में P1 ने स्कोर किया है 88.6। इसका मतलब है अब इनका ये वाला स्कोर कंसिडर किया जाएगा और इस स्कोर के कारण P1 जो है वो डेफिनेटली P7 से ऊपर आ जाएंगे। व्हाट अबाउट P3? 79 इन्होंने स्कोर किया है, इनका जो पुराना स्कोर है वही काउंट होगा? ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे हायर है। P9 ने स्कोर किया है 81.4, तो P9 का भी यही स्कोर काउंट होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि पहले वाला स्कोर बेटर है। हमें बेस्ट स्कोर लेना है उस राउंड तक जो भी स्कोर उनके हुए हैं उसमें। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से सिक्स प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में सेकेंड फेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। देखिए जिनके अभी तक कोई भी वैलिड थ्रोज नहीं है उन्हें तो आप हटा दें, जैसे कि P2 ने राउंड वन में जीरो स्कोर किया था,
P2 ने राउंड टू में भी जीरो स्कोर किया है और P2 ने राउंड थ्री में भी जीरो स्कोर किया है, तो एक तो ये P2 बाहर हो गया है। क्या कोई और ऐसा प्लेयर है जिसको हम बाहर कर सकते हैं? मान लीजिए P4 देखते हैं, P4 ने यहां भी जीरो किया, P4 ने यहां भी जीरो किया और राउंड थ्री में भी जीरो किया, तो P4 भी बाहर हो गए। तो ये दो प्लेयर्स तो बाहर हो चुके हैं, बाकी प्लेयर्स जो बचे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कोर जरूर किया है, ठीक है, चाहे वो P8 हो चाहे वो P10 हो। यहां हमने P8 लिखा हुआ नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और एक P8 हो। इन 8 खिलाड़ियों में से 6 खिलाड़ी क्वालिफाई करेंगे, पर 2 खिलाड़ी P8 और P10 तो कंफर्म क्वालिफाई कर रहे हैं, तो बाकी बचे 6 प्लेयर्स में से 4 प्लेयर्स क्वालिफाई करेंगे, राइट। 2 प्लेयर्स को हमें हटाना होगा, वो 2 प्लेयर्स कौन होंगे जिनका स्कोर इन 6 प्लेयर्स में सबसे कम है। दैट मींस हम बात कर रहे हैं P6 की और हम बात कर रहे हैं P3 की। इन 2 प्लेयर्स का स्कोर इन 6 प्लेयर्स में सबसे कम है तो इन्हें बाहर जाना होगा। तो P3 को भी अब हम हटा सकते हैं और P6 को भी अब हम हटा सकते हैं, पर यहां पर एक बात पता चली कि हमारा जो P8 है वो क्वालिफाई होने का मतलब है उसका स्कोर हर हालत में 82.5 से तो ज्यादा होगा, राइट, लेकिन उसका स्कोर हर हालत में 82.9 से कम होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे डबल मिला है। डबल मिलने का मतलब है उसका स्कोर इन 6 प्लेयर्स में जो क्वालिफाई करते हैं फेज 2 के लिए वहां पर सबसे कम होना चाहिए। अगर वो 82.9 से ज्यादा हो जाता तो P1 क्या होता? 6 पोजीशन पे हो जाता। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि P8 का स्कोर 82.5 से तो ज्यादा है और 82.9 से कम है। चलिए अब हम राउंड 3 में जो थ्रो करने का ऑर्डर है वो डिसाइड कर लेते हैं। P10 फर्स्ट पोजीशन पे है, P7 सेकंड पोजीशन पे है। ध्यान रखिए P1 अभी नीचे है, उन्होंने थर्ड राउंड में जो स्कोर किया है उसके कारण वो ऊपर आए हैं, ओके, फॉलोड बाय P5, फॉलोड बाय P9, P1 एंड P8। P8 का स्कोर 82.5 से ज्यादा और 82.9 से कम है तो वो P1 के बाद थ्रो करेंगे और P6 से पहले, देन P6 फॉलोड बाय P3। P2 और P4 उन्होंने अभी तक कोई भी वैलिड थ्रो नहीं किया है तो इनका जो रैंक है वो P2 का ऊपर है तो पहले P2 आएंगे। राउंड 3 के स्कोर्स P1 88.6, तो P1 के सामने हम लिखेंगे 88.6, P3 79, P3 ये रहा है हमारे पास में 79, P9 81.4, P9 81.4। बाकी सभी प्लेयर्स ने इस राउंड में जीरो स्कोर किया है, इनके थ्रोस वैलिड नहीं थी। नाउ राउंड 3 से जब हम राउंड 4 में जाएंगे तो हमें मालूम है कि ये 6 पर्सन क्वालिफाई कर गए हैं, P10, P7, P5, P9, P1, P8। P8 सबसे ऊपर आ चुके हैं, राइट। नाउ P1 का जो स्कोर है वो हर हालत में P7 से तो ऊपर है, पर इन दोनों की रिलेटिव पोजीशंस नहीं मालूम। इनमें से कोई एक फर्स्ट रैंक पे है और कोई दूसरा सेकंड रैंक पे, तो हम यहां पर एक काम करते हैं, या तो यहां पर हम P1 लिख दें, राइट, या यहां पर हम P10 यहां लिख दें, या P1 यहां लिख दें और P10 यहां लिख दें। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग प्लेयर्स? उनका उसी ऑर्डर में होंगे जिस ऑर्डर में वो यहां लिखे हुए हैं, दैट इज P7, उसके बाद में P5 और उसके बाद में P9। तो जो 6 प्लेयर्स क्वालिफाई किए हैं उनमें से P8 का स्कोर सबसे कम है, ये सबसे पहले थ्रो करेंगे और पिछले राउंड में वो इन 6 प्लेयर्स में सबसे लास्ट में थ्रो कर रहे थे तो उन्हें यहां पर एक डबल मिल चुका है। बाकी बची हुई 2 जानकारियां भी एक बार हम गो थ्रू कर लें। द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इंप्रूव देयर स्कोर इन 5th एंड 6th राउंड्स रेस्पेक्टिवली।
फिफ्थ राउंड में जो गोल्ड मेडलिस्ट है उन्होंने अपना स्कोर इंप्रूव किया है, सिक्स्थ राउंड में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ने अपना स्कोर इंप्रूव किया है, वन मेडल विनर इंप्रूव्ड हिज स्कोर इन द फोर्थ राउंड। नाउ आप यहां पर ये अज्यूम नहीं कर सकते कि ये सिल्वर मेडलिस्ट है, हो सकता है यहां पर किसी गोल्ड मेडलिस्ट ने अपना स्कोर इंप्रूव किया हो या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट में, ये मेंशन नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल स्कोर्स ऑफ द गोल्ड मेडलिस्ट एंड द सिल्वर मेडलिस्ट एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल स्कोर्स ऑफ द सिल्वर मेडलिस्ट एंड द ब्रॉन्ज मेडलिस्ट वॉज 1 मीटर। यहां पर अब हम एक बात कह सकते हैं कि राउंड फोर में सिल्वर मेडलिस्ट ने अपना स्कोर इंप्रूव नहीं किया। ऐसा क्यों? अगर यहां पर सिल्वर मेडलिस्ट ने अपना स्कोर इंप्रूव किया होता तो सिल्वर मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट तीनों का स्कोर सेम वैल्यू से इंक्रीज होता, और ऐसा होने के बाद जब फाइनल स्कोर टैली हुई तो इन तीनों के बीच में 1 मीटर का गैप होना चाहिए। पर क्योंकि तीनों ने अपना स्कोर सेम नंबर से इंप्रूव किया है, सेम अमाउंट से इंप्रूव किया है, यह गैप 1 मीटर कब हो सकता है जब ऑलरेडी उनके बीच में 1 मीटर का गैप हो। पर अगर हम उन 6 प्लेयर्स की बात करें जिन्होंने क्वालिफाई किया है तो कहीं पर भी तीनों प्लेयर्स के बीच में 1 मीटर का गैप हमें नजर नहीं आ रहा है, राइट? चाहे हम P7, P5, P9 की बात करें, क्योंकि विनर जो है वो P1, P7, P5 और P9 में से कोई एक है, P8 और P10 विनर नहीं है। दैट मींस इनमें अगर देखेंगे तो 1 मीटर का गैप हमें नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब हुआ राउंड फोर में किसी सिल्वर मेडलिस्ट ने अपना स्कोर इंप्रूव नहीं किया, तो फिर किसने किया होगा? या तो गोल्ड मेडलिस्ट ने अपना स्कोर इंप्रूव किया होगा यहां पर, या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ने अपना स्कोर इंप्रूव किया होगा। एक और चीज हम यहां कंक्लूड कर सकते हैं, सिल्वर मेडलिस्ट का स्कोर अब इंप्रूव नहीं हो रहा है। दैट मींस इन चार प्लेयर्स में से जो भी सिल्वर मेडलिस्ट है उसका अभी जो स्कोर हमें नजर आ रहा है वही उसका फाइनल स्कोर होगा। सवाल यह है वो सिल्वर मेडलिस्ट कौन हो सकता है? क्या वो सिल्वर मेडलिस्ट P9 हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी 3 लोगों के स्कोर्स हैं। सिल्वर मेडलिस्ट तो तब होगा जब उसके ऊपर सिर्फ 1% का स्कोर हो, तो ये नहीं हो सकता, P5 नहीं हो सकता, सेम लॉजिक से P7 भी नहीं हो सकता। यहां पर उसके ऊपर 1% तो है, हमें मालूम है कंफर्म वो 1% P1 है, पर अगर आप ध्यान से देखें P7 और P1 के स्कोर में जो डिफरेंस है वो है 1.4 मीटर का, ऑलरेडी 1.4 मीटर का गैप है। अब अगर P1 अपना स्कोर यहां पर तो कंफर्म इंप्रूव कर रहा है और यहां भी इंप्रूव कर ले तो स्कोर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, 1 मीटर का गैप तो रहेगा ही नहीं, और अगर वो सिर्फ यहां भी इंप्रूव करे तो भी 1 मीटर से ज्यादा होगा बिकॉज ऑलरेडी वो गैप 1.4 मीटर का है। इससे एक बात समझ में आ गई कि जो पर्सन सिल्वर मेडलिस्ट हो सकता है इन चार में वो हर हालत में कौन है? P1। नाउ जैसे ही हमें सिल्वर मेडलिस्ट का स्कोर मिला है, यह है 88.6% कंफर्म हो गए हैं P1, तो हमें मालूम है गोल्ड मेडलिस्ट इससे 1 मीटर ज्यादा होगा, दैट मींस वो होगा 89.6, और सिल्वर मेडलिस्ट इनसे 1 मीटर कम होगा और वो होगा 87.6। तो सिल्वर मेडलिस्ट तो हमारा फाइनल हो चुका है। व्हाट अबाउट द गोल्ड मेडलिस्ट? क्या वो गोल्ड मेडलिस्ट P9 हो सकता है? बिकॉज होना तो उन तीन में से कोई एक है। लेट अस से P9 हमारा गोल्ड मेडलिस्ट है, 84.1 उनका ऑलरेडी स्कोर है, यहां आने के लिए उन्हें 5.5 का इंप्रूवमेंट करना होगा। अच्छा, ये इंप्रूवमेंट दो बार में नहीं हो सकता, बिकॉज अगर दो बार में आप इसको इंप्रूव करेंगे तो ये 2.75 हो जाएगा, जबकि हमें डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही हम मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर ये गोल्ड मेडलिस्ट हुए तो इन्होंने एक बार 5.5 का स्कोर इंप्रूव कर लिया, तो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 5.5 का स्कोर दो बार इंप्रूव करना होगा, यानी ओवरऑल 11। बाकी बचे दो प्लेयर में अगर हमने 11 ऐड कर दिया तो 87.6 हमें किसी भी हालत में नहीं मिल सकता। सो हमारा पहला अजम्पशन कि P9 गोल्ड मेडलिस्ट है गलत है। क्या वो गोल्ड मेडलिस्ट P5 हो सकता है? चलिए काम करते हैं, हम P5 को गोल्ड मेडलिस्ट बना देते हैं, 86.4 स्कोर इनका है। यहां से यहां पर अगर हम इनको देखें तो इनके स्कोर में 3.2 का इंप्रूवमेंट हुआ है।
यहां ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये सिंगल इंप्रूवमेंट है, तो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को अपना स्कोर दो बार इंप्रूव करना होगा, 3.2 प्लस 3.2 ये हो गया है 6.4। बाकी बचे दो में अगर हम 6.4 ऐड कर दें, चाहे 87.2 में चाहे 84.1 में, तो हमें 87.6 कभी भी नहीं मिलेगा। ओके, तो ये अजम्पशन कि ये सिंगल इंप्रूवमेंट हुआ है गलत है। क्या हो अगर ये दो बार इंप्रूवमेंट हो जाए, यानी 3.2 का जो स्कोर इंप्रूव हुआ है ये 1.6 और 1.6 हो जाए। इसका मतलब है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का स्कोर एक बार इंप्रूव हुआ है बाय 1.6। अगर हम 87.2 में 1.6 ऐड करते हैं तो भी 87.6 नहीं मिल रहा, और 84.1 में भी 1.6 ऐड करते हैं तो हमें 87.6 नहीं मिलेगा। तो हमारा ये सेकंड अजम्पशन कि P5 गोल्ड मेडलिस्ट है वो भी गलत हो गया। तो डेफिनेटली फिर गोल्ड मेडलिस्ट कौन होगा? P7। तो अब हम पोजीशन फिक्स कर देते हैं P7 की। ये हो गए हैं हमारे गोल्ड मेडलिस्ट, ये इनका फाइनल स्कोर है। अभी P7 का स्कोर कितना है? 87.2। क्या इन्होंने अपना स्कोर एक ही बार में इंप्रूव किया है, यानी 2.4? अगर इन्होंने एक बार इंप्रूव किया है तो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को अपना स्कोर दो बार इंप्रूव करना होगा। 2.4 एंड 2.4 करने पर 4.8 होता है। अगर हम P9 में 4.8 ऐड कर दें तो भी 87.6 नहीं मिलेगा, और P5 में भी अगर हम 4.8 ऐड कर दें तो 87.6 नहीं मिलेगा। तो ये मानना कि सिंगल इंप्रूवमेंट हुआ है गलत है। इसका मतलब है इन्होंने 2.4 का स्कोर दो बार में इंप्रूव किया है। तो गोल्ड मेडलिस्ट ने दो बार में स्कोर इंप्रूव किया है, 1.2 एक बार, 1.2 दूसरी बार। तो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ने एक बार 1.2 का स्कोर इंप्रूव किया है। क्या वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट P9 हो सकता है? इसमें अगर मैं 1.2 ऐड करूंगा तो 87.6 नहीं मिलेगा। क्या वो P5 हो सकता है? यस, 86.4 में अगर मैं 1.2 ऐड कर दूं तो 87.6 हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कौन पर्सन होगा? P5। अच्छा, यहां से एक बात और पता चली है, और वो बात क्या है कि P10 का स्कोर किसी भी हालत में 87.6 के इक्वल या उससे ज्यादा नहीं हो सकता, अदरवाइज वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बन जाता। तो P10 का जो स्कोर अभी हमने लिया था 87.2 से ज्यादा, वो 87.6 से कम है, क्योंकि इन्होंने अपना स्कोर इंप्रूव नहीं किया। इंप्रूव सिर्फ मेडल जिनको मिला है उन्होंने किया है। इसका मतलब है हो सकता है इनका जो भी स्कोर आया हो वो हर हालत में जो इनकी ओरिजिनल वैल्यू वाई थी उससे तो कम ही आया होगा, तो हर बार इनका स्कोर फाइनली वाई ही कंसिडर किया गया है। पर वाई की वैल्यू किसी भी हालत में 87.6 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उसके इक्वल भी नहीं हो सकती, अदरवाइज वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बन जाते। तो इससे यहां पर हमें P1 और P8 की जो रिलेटिव पोजीशन है वो मालूम चल गई। ये हर हालत में 87.6 से कम है और 87.2 से ज्यादा है, और ये वैल्यू 88.6 है। तो P1 जो है वो P10 से ऊपर आ जाएगा। तो जब हम यहां पर राउंड 4 की बात कर रहे हैं तो सबसे ऊपर जो टॉप स्कोरर है वो P1 है, तो वो सबसे लास्ट थ्रो करेगा। तो हम यहां से P10 और P1 को रेस्पेक्टिवली हटा सकते हैं। राउंड 4 पे एक बात और ध्यान रखनी है, यहां पर एक गोल्ड मेडलिस्ट ने अपना स्कोर इंप्रूव किया है। तो गोल्ड मेडलिस्ट ने अपना स्कोर इंप्रूव किया है, कौन है वो गोल्ड मेडलिस्ट? वो है P7। कितने से इंप्रूव किया है? 1.2 से। उनका ऑलरेडी स्कोर क्या था? 87.2। 1.2 से इंप्रूव किया तो ये हो जाएगा 88.4, यानी इस पर्टिकुलर राउंड में P7 का स्कोर 88.4 मीटर था, वो इंप्रूव हो गया। बाकी के क्या स्कोर्स थे वो हमें यहां पर देखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो वैलिड थ्रो हो, हो सकता है वो वैलिड थ्रो ना हो, राइट? हो सकता है उनका स्कोर जितना ऑलरेडी उनका स्कोर है उससे कम आए, लेकिन सिर्फ यही एक प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्कोर इंप्रूव किया। इसका मतलब है जब हम राउंड 5 में मूव करेंगे तब क्या होगा? P1 का ऑलरेडी स्कोर 88.6 है, P7 का स्कोर आ गया है 88.4, अब वो P10 से ऊपर आ गया है क्योंकि P10 का स्कोर 87.6 से ज्यादा नहीं है। तो अब यहां पर P1 होंगे और P7 अपनी पोजीशन यहां आ चुके हैं। P10
बाकी प्लेयर्स ने किसी ने भी अपना स्कोर इंप्रूव नहीं किया है, यानी उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो एज इट इज रहेगी। यहां पर अगेन गोल्ड मेडलिस्ट ने अपना स्कोर इंप्रूव किया है। कौन है गोल्ड मेडलिस्ट? P7। इन्होंने अपना स्कोर 1.2 से फिर इंप्रूव कर लिया है। 88.4 में 1.2 ऐड किया तो ये स्कोर हो गया 89.6। बाकी प्लेयर्स के बारे में हमारे को अभी फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ये राउंड 6 में मूव करेंगे, अब P7 का स्कोर P1 से भी ज्यादा हो चुका है, तो P7 सबसे लास्ट में थ्रो करेंगे। P1 यहां आ जाएंगे, राइट? P10 थ्रो करते समय जब जा रहे हैं तो उसी पोजीशन पे है। P5 यहां है, P9 और P8। इस राउंड में क्या हुआ है? ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ने अपना स्कोर इंप्रूव किया है, तो ये जो P5 है इन्होंने 1.2 अपना स्कोर इंप्रूव कर लिया है। इनका स्कोर 86.4 था, इस राउंड में 1.2 इंप्रूव करने के बाद इनका स्कोर हो गया है 87.6। तो अगर आप फाइनल मेडल टैली देखेंगे तो यहां पर होंगे P7, P1, P5, मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, P10 यहां आ जाएंगे, P9 और P8। तो ये गोल्ड मेडलिस्ट हो गए हैं, ये सिल्वर मेडलिस्ट और ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। क्वेश्चंस को आंसर करना अब मुश्किल नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टू प्लेयर्स गॉट द डबल? वो दो प्लेयर्स हैं P10 राउंड 2 से राउंड 3 और P8 राउंड 3 से राउंड 4। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द सिल्वर मेडल? हमें मालूम है सिल्वर मेडल किसने जीता है? P1 ने। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु थ्रू द लास्ट जेवलिन इन द इवेंट? लास्ट जेवलिन थ्रो किया है किसने? P7 ने। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फाइनल स्कोर इन मीटर ऑफ द सिल्वर मेडलिस्ट? हम बात कर रहे हैं P1 की। P1 का फाइनल स्कोर था 88.6 मीटर्स। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द फाइनल स्कोर इन मीटर ऑफ P8? P8 के बारे में हमें मालूम है उनका स्कोर 82.5 से तो ज्यादा है, पर 82.9 से कम है। अगर हम चारों ऑप्शंस पे नजर डालें, केवल फोर्थ ऑप्शन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मच डिड द गोल्ड मेडलिस्ट इंप्रूव हिज स्कोर इन द सेकेंड फेज? गोल्ड मेडलिस्ट ने दो बार अपना स्कोर इंप्रूव किया है, 1.2 एक बार और 1.2 दो बार, तो टोटल मिला के हो गया है 2.4 मीटर्स। ये सेट एक इंटेंस लेवल का सेट था। एग्जाम में इस तरह के सेट्स कभी भी फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं किए जाने चाहिए। काफी सारा लॉजिक इन्वॉल्व है, काफी स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। और अगर आप कैट जैसा एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है।